चलिए अगली खबर की रुख करते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि खेल मंत्री अशोक चौहान ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी से नजरिए का टकराव है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये टकराव खत्म हो जाए और आगे देखने को ना मिले। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि हाल ही के अंदर अभी सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका और अशोक चन्ना इन दोनों के बीच में नोकझोंक देखने को मिली थी, और इसी नोकझोंक के चलते हुए एक बार फिर से अशोक चन्ना ने टिप्पणी कर दी है। तो दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट, क्या अधिकार और क्या कुछ इस मामले में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जनता की जो समस्याएं होती है उनको एक ब्यूरोक्रेट अलग नजरिए से देखता है और हमको रोज जनसुनवाई करनी पड़ती है। हम उन्हीं समस्याओं को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ये नज़रिए का टकराव है, ये शुरू से चलता आया है, सरकार किसी की भी हो और ये आगे भी चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दो दिन बाद टकराव नहीं होगा। ये तो टकराव है और नज़रिए का टकराव है, ये होता रहेगा। इशूज़ तो रोज़ नए आते हैं और जब नज़रिया अलग होता है तो उसमें टकराव हो जाता है। नेताओं का देखने का नज़रिया अलग होता है, हम जनता की नज़र से देखते हैं, हम फर्स्ट स्टैंड देखते हैं। हमारी परीक्षा हर 5 साल में होती है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।